टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महेश रामचंद्र खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कुदरत का करिश्मा एक मछली के ऊपर भी देखने को मिला। इस मछली के एक तरफ अल्लाह तो दूसरी तरफ मोहम्मद लिखा हुआ है, जो इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। ये मछली एक हिंदू व्यापारी के पास पल रही है। व्यापारी का नाम अंकुर सिंघल है, जो अब इस मछली को बेचना ही नहीं चाहते हैं। यूपी के बुलंदशहर में जैसे ही इस मछली पर अल्लाह और मोहम्मद लिखे होने की बात सामने आई, बड़ी संख्या में लोग देखने के लिए पहुंचने लगे। अंकुर ने बताया कि पहले उनके कारीगर ने उन्हें बताया कि इस मछली के ऊपर जो आकृति बनी हुई है, उसके मुताबिक एक तरफ अल्लाह और दूसरी तरफ मोहम्मद लिखा हुआ है, जिस पर अंकुर को एतवार नहीं हुआ। फिर अंकुर ने बताया कि उन्होंने कुछ और उर्दू पढ़ने वाले जानकारों को बुलाया तो उन्होंने भी वही बात बताया। तभी से लोग इस मछली को खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि इस मछली की कीमत 3 लाख रुपए तक भी लगाई गई, मगर अंकुर ने बताया कि 2 साल से वो इस मछली को पाल रहे हैं और अब ये जानकारी सामने आने के बाद वो इस मछली को बेचना ही नहीं चाह रहे हैं। मेरा नाम अंकुर सिंघल है और मछली एक्वेरियम रखना, मछली पालना मेरा लगभग 10 सालों से शौक ही है और मैं 10 सालों से निरंतर मछलियां पाल रहा हूं। अभी जल्दी में क्या हुआ कि एक मुस्लिम व्यक्ति मेरे दुकान पर आए और उन्होंने एक मछली को देख करके कहा कि ये मछली आपकी बहुत कीमती मछली है। मैंने उनसे पूछा ऐसा इस मछली में क्या है, तो उन्होंने ही देख करके बताया कि इस मछली पर अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ है। हालांकि जब उनकी बात पर मुझे विश्वास नहीं हुआ और कुछ और लोग आए, उन्होंने जब इसे देख करके इसे बताया तो मुझे विश्वास हुआ कि इस पर वाकई में लिखा हुआ है और उसके बाद निरंतर लोग इसे ख़रीदने के लिए मेरे पास आ रहे हैं और मैं इसे बेचना नहीं चाहता। ये मछली आपने कितनी, ये लगभग मैंने 2 साल के आसपास हो गए होंगे, उस समय एक छोटी सी अवस्था में ख़रीदी थी, छोटी सी मछली थी ये और अभी ये काफ़ी बड़ी हो गई है। जब छोटी थी जब तो इस पर एक्चुअल मैं उर्दू पढ़ना नहीं जानता, तो जब मैंने इतना इस पर गौर नहीं करा और मुझे तो अभी इस बात का पता पड़ा है। लोग बहुत आ रहे हैं कीमत आंकने के लिए। जी जी जी, कई लोग आ चुके, एक दिल्ली के आए थे, उन्होंने 3 लाख रुपए इसके लगाए, फिर एक और व्यक्ति आए थे वो 3.5 लाख रुपए इसके लगा गए, लेकिन सभी से मेरा यही कहना था कि मैं इस मछली को बेचना नहीं चाहता। ये जो इस पर नहीं 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 कुदरत का ही करिश्मा है, ये कुदरत का ही करिश्मा है, ये किसी ने इसको मैनिपुलेट तो नहीं किया? नहीं नहीं किसी ने नहीं। तो क्या आप भी अपने आप? बिल्कुल मानता हूँ जी, जब ही तो मैं कह रहा हूँ मैं इसे बेचना नहीं चाहता। क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि 2 साल से जब से ये मछली आपके एक्वेरियम में, ये आपके परिवार में तरक्की हुई हो? सभी कुछ बढ़िया हुआ है जी। अच्छा, सभी कुछ बढ़िया हुआ है, ये आपके लिए भी सौभाग्य। बिल्कुल जी, और मैं तो जो पशु प्रेमी हूँ, मछलियों से पशुओं से बड़ा प्रेम करता हूँ।